जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। बहुत खुश है, मज़ा आ रहा है लाइफ में। ज़िंदगी चेंज हो गई, पहली फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म उसका हिस्सा बन के, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं मेरे पास, बहुत खुश हूँ। जी जी, मुझे ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, काफ़ी इंट्रीगिंग था। और सेम जोया है, जोया का जादू चलेगा इसमें, एक्सेल है, टाइगर बेबी है, एक्टर्स जो कास्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे मैं उनमें से सबका फ़ैन हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी।
वॉच एंड शो। जो एक खबर आई है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, जी आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे? जी इमोशनल हो जाऊंगा मैं मुझे ऐसी चीजें। मेड इन हेवन आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सीरीज, क्योंकि हम शादियों हमेशा एक एक साइड से देखते हैं, लेकिन इस बार हमें देखेगा कि पीछे क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। सो एंड द कास्ट इज फैबुलस, द डायरेक्टर्स आर फैबुलस, एंड आई एम इन वन एपिसोड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपकी शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी बहुत बढ़िया है, मेरे हस्बैंड जो है वो तो लिटरली हमारा तो मेड इन हेवन ही था, बट या नहीं आई एम तो वेरी एक्साइटेड। हमारी शादी बहुत रिसेंटली हुई है और ये एक बहुत अलग नज़रिया से शादी देखने को मिलेगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मैडम आप बताइए कि वेब सीरीज, हमने आपकी पिछली वेब सीरीज देखी, लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट की गई, मेड इन हेवन से क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है एक्चुअली। ज़ोया अख्तर जिस भी चीज़ को छू ले वो तो गोल्ड ही निकलती है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी ये क्या है, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही अलग लग रहा है। जैसे श्वेता ने कहा था कि शादियों को लेकर कितना कॉन्टेंट बनता है, बट ऐसा कभी नहीं बनता, ये मिथ ब्रेकिंग वाला, तो काफ़ी एक्साइटिंग सीन। श्वेता जी आप बताइए कोई और अपकमिंग वेब सीरीज हम आपको देखने वाले हैं? हाँ जी, अमेजोन की ही है लाखों में एक, तो वो अप्रैल में आने वाला है एंड इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज़ वेल। बहुत आप थक जाओगे, इतना रैप निकलने वाला है, और हम तो गली बॉय का इंतजार कर रहे थे, अब निकल गए तो हम बहुत गाने निकालने वाले हैं, रेडी हो जाओ बस। मतलब इंडिया पाकिस्तान वो सब तो चलते रहेगा, मेरे ख्याल से ये सब होना ही नहीं चाहिए। वी आर नॉट फॉर वॉर, इट्स रादर it's not required, but of course it's something that our nation has done against terrorism, and terrorism shouldn't stand true for anyone and shouldn't exist at all. So any jo bhi country ho, koi bhi country, Pakistan, India, kahin bhi terrorists are not welcome, and if they're being attacked it's always a good thing. जी हमें हम सिर्फ अभी हमारी स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है तो हम भागते हैं प्लीज़ उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मज़ा आया इसमें काम करके, ख़ासकर जो मेरा एपिसोड था वो पुरानी दिल्ली में हम लोग शूटिंग किए, इन अ वेरी ओल्ड रुइन ऑफ अ हवेली, आई मीन इट हैड सच अमेजिंग कैरेक्टर, तो उसको सब उन्होंने डेकअप करके वेन्यू फॉर द वेडिंग जो भी होता है। मेड इन हेवन इज़ अबाउट कपल्स गेटिंग मैरिड इन डिफरेंट काइंड ऑफ कपल्स वॉन्टिंग टू गेट मैरिड, तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, इट्स वेरी वेरी ब्राइट, वेरी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव। आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, इट्स रियली, इट्स इट हैज़ ओपनड अप सो मेनी एवेन्यूज, और इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हमको लगता है कि शायद हम ये रेगुलर फीचर फिल्म के लिए सही नहीं है, बट देर इज सो मच, देर सच अ वास्ट ऑडियंस व्यूअरशिप ऑन द नेट, दैट यू कैन नाउ मेक एनी सब्जेक्ट एंड डू इट एज अ वेब सीरीज और डू इट एज अ शॉर्ट फिल्म, बहुत सा वेन्यूज खुल गए। इज दिस अबाउट, नो नॉट जस्ट नाउ, नो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारा पहला, मेरा और रीमा का पहला लॉन्ग फॉर्मेट शो है, ये टाइगर बेबी का पहला लॉन्ग फॉर्मेट शो है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या लगता है आपको। वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड रहती है, क्योंकि देखें जितनी भी वेब सीरीज आ रही है बहुत ही धमाका कर रही है जी, आपकी गली बात चली रही है। थैंक यू मुझे वेब सीरीज़ एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि पहले मैं तो बहुत वेब सीरीज़ देखती हूँ ए बी, और आपको फिल्मों में तो दो घंटे मिलते हैं आपको फिल्मों में एक कैरेक्टर डेवलप करने के, या आर्क डेवलप करने, या 8 घंटे हैं स्टोरी लिखने, और मैं एनी वे आई टेंड टू ओवर राइट, तो मेरे लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट है क्योंकि बहुत टाइम मिलता है स्टोरी को पूरा ओपन करने, निकालने, रिजॉल्व करने, तो देखते हैं आपको कैसा अच्छा लगता है। एज एन इंडियन मैडम एंड एज एन डायरेक्टर कितना प्राउड फील होता है कि जब सुबह सुबह ही खबर आती है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेलर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शो देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इट्स द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़ोया अख्तर एंड रीमा कागी, एंड वैसे ही आज कल पूरी इंडिया की पब्लिक गली बॉय पर पूरी तरह से फिदा है, सो
everyone's always excited to see what's coming out of XL. And सबसे important बात ये है कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त in fact सहेली director अलंकृता श्रीवास्तव ने शो लिखा है और उसके कुछ episodes direct भी किए हैं. So I think थोड़ा और special है. And of course a co-actor of mine from a past film, Arjun Mathur, is in the leading part. So many reasons to be excited about Made in Heaven. And India mein shaadiyan sabko hi pasand hai. And who doesn't want to see one that is being organized by XL? Recent time mein ढेर सारी web series aa rahi hai, to web series kitna enjoy karte ho? Well, honestly, I think web series are the new television. And the good thing is ki aap use apne सहूलियत से देख सकते हैं. देर इज़ नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस. सो आई एम गेसिंग इट इज़ द न्यू टेलीविजन. एक आखिरी सवाल, एज एन इंडियन कितना प्रिविलेज फील होता है आपके लिए जब आज ही अर्ली मॉर्निंग में ये खबर आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा पर शहीदों की जो शहादत उसका बदला लिया है? वेल, आई विल जस्ट से अ बिग सल्यूट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस. थैंक यू सो मच. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.